कोरोना के इस भीषण काल में कुछ खबरें दिल को दहला जाती हैं। ऐसी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई, जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन तो लगाया गया तो मूर्ति बनाने वालों के जीवन पर संकट और ज्यादा गहरा हो गया है। मूर्तिकारों को रोटी के लाले पड़ गए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करें, खाने पीने का तो कुछ नहीं है। इनको भगवान ने बनाया है, ये भगवान को बनाते हैं, लेकिन जिन भगवानों की ये मूर्तियां बनाते हैं उन्हीं भगवानों ने इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। न रहने को घर है, न खाने को खाना, पतीली खाली है, चूल्हा ठंडा है, लॉकडाउन है, धंधा मंदा है, तड़प रहे हैं, नमक रोटी को तरस रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ भूखे सो रहे हैं। ये कोरोना के बैठने के बाद तो हर समस्या आ रही है कि नहीं खाने का है, नहीं पीने का है, नहीं भूखे, एकदम कभी तो पेट भर के खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। वैसे यार पुरानी बात याद आ रही है। देखो एक बार तो हम तो भूखे भी सोए थे, दूसरे दिन गए गांव में, कोई आसपास में हमें कोई नहीं जाना, नहीं पैसा, ना किसके पास जाएंगे, और कुछ नहीं मिला हमको तो भी हम शाम को आके भूखे सोए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करें, खाने पीने का तो कुछ नहीं है, तो अभी बच्चे क्या करें, तो भूखे सोते हम, रोटी पानी कुछ नहीं बनाए, चूल्हे में वादी आग भी नहीं जलाई, ऐसे सूख गए हम तो, इतनी परेशानी हम देख रहे हैं। हाँ भूखे पेट भी सूख गए, अभी क्या करें, है नहीं तो फिर कहाँ से खाए। मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क किनारे झोपड़ी में रहने वाले इन मूर्तिकारों को कोरोना से ज्यादा भूख से मर जाने का डर है। हम तो ये मांगना चाहते हैं सर के, चलो गाँव चावल कुछ मिल जाए और हमारा पेट पले, हमारा परिवार पल जाए, अच्छी बात है। आस पास में हम तो सब दो तीन सदस्य है, तो सब मिलकर 25 लोग है हमारे पास, छोटे मोटे बन जाके। हालात ऐसे हैं कि कोरोना के चलते इन्हें लोग गाँव में घुसने नहीं देते, न कोई मूर्ति खरीदता है, न इन्हें गाँव में घूम कर मूर्ति बेचने देता है। रोजगार के रास्तों पर कोरोना अवरोधक बन गया है, जीने के सारे संसाधन खत्म नजर आते हैं। सर अभी नहीं तो गांव में जाने दे रहे नहीं, हम यहाँ मतलब खाने पीने कुछ व्यवस्था है, मूर्ति बनाते गांव में घुसने दे रहे नहीं, बहुत समस्या आ रही है सर, परेशान। नहीं तो हम कहे गांव में जाने दे, नहीं खाने पीने की व्यवस्था है, एक साल से यहाँ रह रहे, अब जाके भी मूर्तियाँ भी हम बनाते हैं वो भी बंद पड़ी है, अब हम खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, छोटे बड़े 25 सदस्य है सर, अब उसको कैसे पालन करें सर। हमारे ऐसे परेशानी है कि खाने पीने का उतना, हमारे ही नहीं खाने पीने की बहुत तकलीफ पड़ रही है, अभी पैसे ऐसे हमारे पास ही भी नहीं है, तो अभी हम गांव में मूर्ति बेचने के जाएंगे तो हमारे परमेश्वर जाने देते नहीं, रोक लग रखा कि मत जाओ बेचारे वापस आते हैं, बच्चे को मारपीट करते हैं, बच्चे को मारपीट करते कि मत जाओ हमारे अंदर में, मत घुसो मत जाओ, तो फिर वापस आते हैं। अभी हमारे गांव में बेचने को जाते तो हमारे परमेश्वर सही है, जाने के गाँव में बेच के धंधा पानी करके हमारे बाल बच्चे पाल के सकते, पेट भर सकते, ऐसा हमारे परमेश्वर मानना चाहिए। पता नहीं कब गुजरेंगे ये दिन जब दो वक्त की रोटियां इन्हें भी मिलेंगी। इन्हें नहीं मालूम सैनिटाइजर क्या है, इन्हें नहीं मालूम मास्क क्या है, भूख से बिलकते बच्चों को दो वक्त की रोटी मिलने को ही ये बेहतरीन मुकद्दर मानते हैं, मगर अफसोस अभी इन्हें वो भी नहीं मिल रही। विवेक ठाकुर, विदिशा, आज तक। रुकना होगा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।